कुछ अमाउंट में क्या ऐड कर देते हैं, कॉपर ऐड कर देते हैं गोल्ड के अंदर, ताकि उसकी ऑर्नामेंट्स की स्ट्रेंथ को क्या कर सके, हम बढ़ा सके, ताकि ऑर्नामेंट्स की स्ट्रेंथ को क्या कर सके, हम बढ़ा सके। तो इसीलिए हम जो हमारे गहने बनते हैं वो हम प्योर गोल्ड के नहीं बनाते हैं, ठीक है। जो हमारे गहने बनते हैं वो किसके नहीं बनते हैं, बिल्कुल प्योर सोने के नहीं बनते हैं। इसीलिए हम उसके अंदर कुछ अमाउंट में क्या ऐड कर देते हैं, कॉपर ऐड कर देते हैं, ताकि हम गोल्ड के साथ मिक्स करके वो हम अगर हम प्योर सोने के गहने बनाएंगे तो बहुत हमारे हल्के हो जाएंगे, ठीक है, मतलब उनके टूटने का डर रहेगा। तो इसीलिए हम उनके साथ सोने के साथ कुछ अमाउंट में कॉपर मिक्स कर देते हैं, ताकि हम उनकी स्ट्रेंथ को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, आप आपको अनम्यूट करके पूछ सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो, किसी को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए। चलिए फिर, यहाँ तक आपको रीड करके रखना है पूरा, और उसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे हमारे फॉर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स इन मिक्सचर, हमारे क्या फॉर्म्स होती हैं कंपोनेंट्स की मिक्सचर्स के अंदर, ठीक है। हम देखो हमारा मेन इसके अंदर है क्या, हमें यही पढ़ना है। हाँ देवराज पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को देवराज। गलती से हो गया। देखिए फॉर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर ये पढ़ेंगे हम कल हमारा, और उसके बाद आ जाएंगे हमारे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ठीक है। ये सारा हम पढ़ेंगे, तो बेसिकली हमें इसके अंदर यही पढ़ना है किस तरह से सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।